नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना धनलक्ष्मी की जो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं कागजी नींबू से मसालेदार अचार। तो आइए देखते हैं ये मसालेदार अचार बनता कैसे है, इसमें कौन कौन से सामग्री लगती है। दोस्तों ये अचार बहुत लंबे समय तक चलता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा तो होता है। दोस्तों तो आइए देखते हैं ये नींबू का मसालेदार अचार बनता कैसे है, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है बनाना इस और इसको बनाया कैसे जाता है। नींबू का अचार बनाने के लिए हमने ताज़े नींबू लिए हैं आधा किलो। देखिए दोस्तों अचार बनाने के लिए हम लोगों को बिल्कुल फ्रेश नींबू को चुनना है, जिसमें दाग धब्बे बिल्कुल ना हो। 250 ml सरसों का तेल लिया है, अचार बनाने के लिए सरसों का तेल ही अच्छा होता है। 4 नींबू का रस लिया हुआ है, 3 चम्मच सफ़ेद नमक, 1 छोटी आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़ी चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच सौंफ, 1 छोटी आधी चम्मच मंगरेल, 1 छोटी चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1 छोटी चम्मच हींग। तो दोस्तों आइए देखते हैं अचार बनता कैसे है। सबसे पहले डालेंगे मेथी दाना, जीरा, दोस्तों मसाला को हम लोग को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इसका नमी ख़त्म करना है। इसमें डाल देंगे सौंफ, सरसों, अजवाइन, दोस्तों मसाला भून के रेडी हो गया है। इसको कुछ देर के ठंडा कर लेंगे, उसके बाद जार में डाल के इसको दरदरा पीस लेंगे। दोस्तों तेल हम पैन में डाल के इसको गरम कर लेंगे। दोस्तों इसमें हींग डाल देंगे, और मंगरेल डाल देंगे। दोस्तों तेल हमारा उबल गया है, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके अचार में मिलाएंगे, इसमें डाल देंगे मिर्ची पाउडर, डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नींबू का रस मिला लेंगे। दोस्तों अब हम इसे मिला देंगे, जो तेल उबाल कर रखे थे वो ठंडा हो चुका है। देखिए दोस्तों मेरा ये नींबू का अचार बनके बिल्कुल रेडी है। इसको कंटेनर में भर लेंगे।
दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल द लक्ष्मी किचन को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, मैं जो भी नया रेसिपी बनाऊँ आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।